ये देखिए दोस्तों, जीरा राइस हमारा बिल्कुल परफेक्ट और खिला खिला बना है। बिना किसी झंझट के और कम मेहनत में ही परफेक्ट होटल स्टाइल जीरा राइस बनके तैयार है। आप भी इस तरीके से घर पे जीरा राइस बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े, सभी रेस्टोरेंट और होटल के जीरा राइस खाना भूल जाएंगे। कम मेहनत और कम समय में पूरे परिवार के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल जीरा राइस बनाने का सबसे आसान और सरल विधि। इस तरीके से जीरा राइस घर पे बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए इसकी फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है डेली बासमती राइस 2 कप। चावल धो के यहाँ मैंने इसे 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने नॉनस्टिक लेयर वाला कढ़ाई लिया है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो लें। और ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है। हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने देसी घी का यूज़ किया है। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर हम इसे पैन में या कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे, जिससे घी अच्छी तरह पैन में फैल जाएगा और मेल्ट भी हो जाएगा। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें 1 चम्मच शाही जीरा डालेंगे। यहाँ मैंने शाही जीरा का यूज़ किया है। आप इसकी जगह नॉर्मल जीरा का भी यूज़ कर सकते हैं। जीरा डालकर हम इसे घी में अच्छे से क्रैक होने देंगे और इसमें 1/2 चम्मच नॉर्मल जीरा भी डालेंगे। जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 तरह के जीरा का यूज़ किया है। आपके पास दोनों में से जो अवेलेबल है आप उससे भी जीरा राइस बना सकते हैं। और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 फूल चक्री और जावित्री लिया है। और अब हम इन सबको घी में डालेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन सभी मसालों को घी में अच्छे से क्रैक होने देंगे, जिससे घी में मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे खड़े गरम मसाले जलेंगे नहीं और घी में खड़े गरम मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, जिससे जीरा राइस हमारा बिल्कुल फ्लेवरफुल बनेगा। गरम मसाला घी में अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ मैंने चावल को 1 से 2 बार अच्छे से धो लिया था और इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। आप भी चावल को मिनिमम 10 मिनट के लिए ज़रूर भिगोएं, जिससे आपके जीरा राइस या पुलाव बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। चावल को हम इस तरीके से हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेंगे, जिससे चावल हमारे टूटेंगे नहीं और जीरा राइस हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। और ये देखिए चावल को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और चावल का मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। हमें इसे इतना ही भूनना है। और चलिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। 2 कप चावल के हिसाब से हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। यहाँ मैंने चावल में नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डाल रही हूँ और पानी डालकर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। पानी डालकर चावल को हम इस तरह चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर पानी में चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें उबाल आने देंगे और इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालने से जीरा राइस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब जीरा राइस को एक बार अच्छे से चलाते हुए सभी इंग्रेडिएंट को मिला लेंगे और अब हम इसे ढक कर इसमें उबाल आने देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें 1 उबाल आने देंगे और ये देखिए उबाल आ गया है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे और ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और जीरा राइस हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो गया है। मैं इसे अंदर से ऊपर की तरफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जीरा राइस हमारा बिल्कुल परफेक्ट और खिला खिला बन के तैयार हुआ है।
आप भी इस तरीके से एक बार जीरा राइस बना के देखिए। फर्स्ट टाइम में ही आपके जीरा राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और अब हम इस पे हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डाल के हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप इसे राजमा, दाल तड़का, पनीर की सब्ज़ी किसी के भी साथ खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। तो आप भी इस तरीके से बिना झंझट के कम समय में बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से घी जीरा राइस घर पे आसानी से बना सकते हैं। और चलिए और अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी नए रेसिपी में।